खबर उज्जैन से है, जहां उज्जैन में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हमारे चैनल के संवाददाता से विशेष चर्चा की। विशेष चर्चा में उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि की वजह से किसानों के फसलों का नुकसान हुआ है, उसमें सरकार उनकी मदद करेगी। उज्जैन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल पर विशेष चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान समय में ओलावृष्टि और बारिश होने की वजह से किसानों की फसलें खराब हुई हैं, उसको लेकर मैंने ग्रामीण क्षेत्रों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह मौका मुआयना कर सर्वे करें ताकि किसानों की मदद की जा सके। राज्य सरकार किसानों की भरपूर मदद करेगी। आज की जो महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, किस प्रकार से करा? आज हमारे एक तरह से उज्जैन में दो कारण से हमने प्रेस बुलाई थी। बीते दिनों जो प्राकृतिक आपदा आई जिसके किसानों का भारी नुकसान हुआ है, हमने कल प्रशासन के अधिकारियों को लेकर के दौरा भी किया, जिसमें हमारे क्षेत्र खासकर दक्षिण में गंगेड़ी, ब्रजराज, पेड़ी, गोंदिया, आसामपुरा, लेपोरा, टंकारिया, अजराना, झेरूझेरा तक एक पट्टी की पट्टी पूरी हमारी फसल का नुकसान हुआ, जिसमें सभी प्रकार की फसल, गेहूँ, चना, आलू, लहसुन या सब्जियां, और यहाँ तक कि बोर के पेड़ एक तरह से पूरे झड़ गए। इसमें साथ में पक्षी बड़े पैमाने पर मारे गए, ओले जीवन में कभी नहीं देखे, इतने बड़े बड़े ओले गिरे हैं। तो ये जो भारी नुकसान हुआ, इसमें सरकार उनके साथ है। हम सभी अधिकारियों को लेकर के गए, मैंने कलेक्टर को निर्देश जारी किए हैं, वो अपनी एक टीम बना करके प्रत्येक गांव में आकलन कराएंगे, और आकलन करने के बाद हमारा अपना जो भौतिक सत्यापन होगा, अधिकतम राहत और मुआवजा दिलाने का प्रयास है। सर, जैसा कि जिला पंचायत जो सदस्य हैं उनको भी चार्ज काम करने का पावर मिल चुके हैं, साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि जो सरपंच हैं उनको जब तक चुनाव होना है जब तक वही काम देखें ताकि शासी काम हो सके। पंचायत सचिव जो शासी कर्मचारी है वो काम नहीं कर पा रहे हैं जब तक वही। दोबारा पंचायत विभाग ने आदेश संशोधन निकाल दिया है कि गलतफहमी पाल ली थी कि हमने पूरा पूर्वत सरपंचों को जनपद पंचायत जिला पंचायत को कार्यशील कर दिया, ऐसा नहीं है। उसमें कार्य के आधार पर हमने कार्य के लिए प्रबंधक नियुक्ति करने की बात कही है और विस्तृत आदेश बहुत जल्दी ग्राम पंचायत विभाग करने वाला है, लेकिन उसके बजाय अब जो हमारा मैदानी काम है कि हम अपने जो आगामी चुनाव हो, तो अभी ऐसा लगा कि जब हमने अध्यादेश निरस्त करा तो पुराना अध्यादेश प्रभावशील हो गया, ऐसी गलत फहमी पाल रहे हैं जो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने जो जारी किया था। लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि हमने अपना परिसीमन का अध्यादेश वापस लिया है, तो हम नया अध्यादेश पुनः लाने वाले हैं, क्यों हम पुरानी परंपरा पंचायतों को बिगाड़ने का जो कमलनाथ जी ने प्रयास किया था उससे सहमत नहीं है। इसलिए दोबारा लिमिटेशंस बनेगी, परिसीमा बनेगी, उसके बाद ही चुनाव करेंगे। तो एक नया अध्यादेश आने वाला है, उसके बाद इस दिशा में आगे जाएंगे और सभी वर्गों का हम समान रूप से उस पर ध्यान रखेंगे। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।